अस्सलाम व्यूअर्स, आज हमारा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और 2-3 दिन की छुट्टी कर ली थी मैंने वीडियो से, इसलिए कि मैं अपलोड करना सीख रही तो थी। मैं उन बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट किया है, तो मेरा दोबारा से जरा दिल लगने लगा है सही यूट्यूब है। में। पहले बिल्कुल मैं मायूस सी हो गई थी कि भाई अब तो कुछ मसला ही नहीं है, खत्म करो इसको, लेकिन अब दोबारा कोई से मसला ही नहीं मैं है क्या? मतलब यानी ग्रो ग्रो नहीं हो रहा चैनल? नहीं हो रहा तो चलो छोड़ दें इसको, लेकिन उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया इस मामले में कि आप चैनल को छोड़ कर नहीं जाएं, हाँ, शेयर करें, तो शेयर करें, अच्छा हम प्रोडक्ट। आपके सपोर्ट करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका जो ये लोग वीडियो देखेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया जिन्होंने है। सब्सक्राइब भी किया है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हमें अपने साथ लेकर चलें, ताकि कल को मैं भी आपके साथ ही आपकी लिस्ट में शामिल हो जाऊं। ठीक है, तो इसी खुशी में हम फिर आज बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ता। इसी खुशी बना रहे नाश्ता? वैसे नहीं बनाते, वैसे ही बनाते हैं। इसका नाम डब्बा पराठा सही रखा है, हाँ, मैं खुद हैरान थी पढ़ के ये डब्बा पराठा क्या है। चौरस पराठा, फिर पता लगाते हैं चौरस पराठे को चौरस पराठा डब्बा पराठा। डब्बा पराठा कहते हैं। अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है जो यूज करे। देखिए घी की हालत देखिए जरा, घी ऐसे है जैसे मैं ना कश्मीर में बैठी हूँ। हाँ, जम जाता है सर्दी से, लेकिन जायका आता है घी से ही है पराठों में। घी से नहीं, देसी घी से। वो तो खैर एक अलग चीज है। अच्छा, और भी मैं भी आपको ये बता दूंगी, कल मैंने अपना क्या नुकसान कर लिया। तो कल मैंने वीडियो सीखने के चक्कर में, वीडियो अपलोडिंग करने के चक्कर में, सीखने के चक्कर में ना मैंने कल अपनी हड्डी जला ली। कैसे जलाई? ऑप्शन जब मैंने कुकर बना के रख दी है चूल्हे पे, और खुद मैं सीखने बैठ गई, और फिर मुझे हल्के की खुशबू आई कि कुछ ना जल रहा है। जलने की कोई बदबू आई? मैंने कहा खुशबू नहीं आई। ऐसे ही ऐसे ही ठीक है। उसके बाद जब मैंने आके देखा तो धुआंधार चल, जब तैयार थे तैयार नहीं थे, फेंकने के लिए तैयार थे। उनको मैंने इकट्ठा किया फिर फेंका। कुकर पहना था ना, इतना इतना जला हुआ था। फिर मैंने उसको दोबारा धोया और मैंने दाल चढ़ाई, फिर मैं दाल भी जलाई। कल था चीजें जलाने का दिन, तो देखिए ये नुकसान होते हैं, कुछ खो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही। तो मैंने चलजम खोए, दाल खोई, लेकिन वीडियो देख ना पा लिया। तो फिर ये फायदा घाटे का तो नहीं है ना, नहीं, घाटे का नहीं है। चलजम तो आज भी आ जाएंगे, दाल भी आ जाएगी, लेकिन वीडियो मैंने देख ली। सही। अच्छा, फ्रिज में दाल तो निकाल गई थी इतना जली तो कहाँ, किसमें है? लाल डब्बा है, लाल डब्बा। डब्बा ये है, और साथ में हमारे फेवरेट, क्या मोस्ट फेवरेट, वो क्या रिस्पोर्ट पे पता लग ही जाएगा क्या है हमारा मोस्ट फेवरेट। अंडे बनेंगे ना हमारे खानदान, ये देखते पे जान जाते हैं क्या खाना। कॉमन सेंस है, सिर्फ कॉमन सेंस। ये अंडे आ गए, और मौसम भी दिखा दें आपको बाहर कैसा है। आज बड़ा शानदार मौसम है, धूप निकल आई है, और ये जो है आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है और ऊपर भी धूप नजर आ रही है। शुक्र अल्लाह का कि धूप जो है वो निकलनी शुरू हुई है, फिर मौसम बेहतर हो रहा है। तो यहाँ हम चलते हैं दोबारा किचन की तरफ। डब्बा पराठा बनेंगे फिर, इन पराठों का अपना ही जायका है। सही। इसके क्लिप बनाऊं वीडियो के, तुम ज्वाइन करोगी फिर उनको? नहीं, मैं इसको सिंगल क्लिप में बनाऊंगी। अच्छा,
आज मैं आज सिर्फ नाश्ते की वीडियो बनेगी। अच्छा। और इसको मैं खुद ही अपलोड करूंगी। वो तो हमें पता है, ये डंडा को दिखा रही हो, ये मैं हमें कोई दराज तो नहीं है इसमें, किचन वालों का हथियार होता है। अच्छा, तो आप लोग भी दुआ करें कि मुझे सारा काम पूरी करना आ जाए जल्दी जल्दी। आ जाएगा, मैं जो ना आ गया, बल्कि आ जाएगा क्या। हाँ, मैंने सीख लिया काफी कुछ। तो जो नए, मैं तो कह रहा हूँ दो क्लिप बनाओ और ज्वाइन करके फिर इसको अपलोड करो। जो नए पढ़ाने वाले हैं, जो नए सीखने वाले हैं, वो भी यही तीनों चीजें आ जाएंगी तुम्हें इसमें। हाँ, ज्वाइन करके क्लिप अगर तुम बनाओगी ना तो मैं काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। फिर मैं देखूंगी ना जो कोई और भी अच्छा टॉपिक मिला तो। हाँ, अब तो मैं सिर्फ नाश्ते ही बना रही हूँ। नाश्ते का ब्लॉग तो फिर ये तो काफी टाइम ले लेगा। कितने मिनट की हो गई? 6 मिनट की तो हो गई। तो क्या है, 2-3 मिनट और है, एक वीडियो बन जाएगी मेरी। एक पराठा बनना तैयार होगा, एक अंडा, एक पराठा। साथ में अंडा नहीं खाना, साथ कहता मैं अंडा नहीं खाऊंगा। उसके लिए दाल गर्म कर देना, वो दाल खाएगा या सालन खाएगा। हम तो अंडे के बगैर, अंडे के बगैर कोई नाश्ता होता है? अच्छा, ये हमारा छोटा वाला बेटा बस इधर अंडों से परहेज करता है, उसको पसंद नहीं है माँ की तरह। इसकी माँ भी अंडे खाती, इसलिए ये भी अंडे नहीं खाता। तो ये हमने कल दाल बनाई थी, बड़ा वाला और मैं अंडे खाते हैं शौक से। ये दाल है, टेस्टी दाल बनी थी ना। हाथ हटेगा तो दाल नजर आएगी, ये टेस्टी दाल है ना। ये मसूर की दाल है, बहुत मजेदार, जायकेदार, पराठे के साथ, करंची पराठे के साथ बहुत मजे लगती है। तो आप लोग भी इस तरह से नाश्ता करें, किसी टाइम दाल बना लें, साथ फ्राई अंडे बनाएं, साथ चौरस पराठे बनाएं, इस तरह के डब्बा डब्बा पराठे बनाएं। हमारे जैसे घराने हैं। हाँ, बहुत है, क्यों नहीं। तो बड़ा इंजॉयबल नाश्ता है, ये कोई आम नाश्ता थोड़ी है, ये रॉयल नाश्ता है। ये चौरस पराठे, डब्बा पराठे और साथ दाल और साथ फ्राई अंडे और चाय, जबरदस्त। चाय हमारी बहुत टेस्टी होती है सुबह सुबह की। जी बिल्कुल, हम बड़ी शौक से पीते हैं चाय। चाय तो हम पहले पहले उठते सार पहले चाय ही पीते हैं। हाँ। उसके बाद हम दूसरे काम करते हैं। ये जी हमारा देसी घी जो थोड़ा सा नीचे चला गया है, मैंने खा खा के मुका दिया। सही है, तो खाने के लिए बनाया था और बेचने के लिए बनाया था क्या? ये बच्चों को आप दें, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये खालिस होता है, इसमें किसी किस्म के जो है प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। अच्छा, देखिए ये हाथों को ना ऐसे बहुत ज्यादा चिकना भी नहीं करता। मैंने कितनी दफा लगाया है। हाँ। उसके बाद आप ऐसे करेंगे ना हाथों को, खत्म, कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसे ही है। तो यही काम, यही चीज इसकी अहम है कि ये अंदर जाकर जमता नहीं है, जमेगा नहीं है। हाँ, ये वो घी है जो जमेगा नहीं। तो ये पराठा तैयार हो रहा है, उसके बाद हम दाल गर्म करते हैं और फिर अंडा बनाएंगे और फिर बच्चों को उठाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज का ये काफ़ी है, अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और फिर सब्सक्राइब करें हमें। हाँ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सही है। तो जो जो भी करना है आपके काम आप करें, हमारा काम हम करके दिखा रहे हैं। आउटडोर वीडियोज हमने बता दो उनको कि और भी लानी है, आउटडोर की वीडियोस भी लाएंगे हम। आपको आउटडोर वीडियोस के और भी क्लिप मिलेंगे बहुत सारे। हाँ, अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेके आएंगे। हमारा इलाका है ना, ये दरियाई इलाका है, इसमें जो है बागों की ना बहुत ज्यादा भरमार है। हमारे शहर के दोनों साइडों से दरिया गुजरता है, एक तरफ से दरिया सिंध गुजरता है और एक तरफ से दरिया पंजना दरिया का, जो 5 दरिया मिलते हैं उनके मिलने के बाद जो एक पंजना दरिया बनता है वो गुजरता है। तो शहर हमारा 2 दरियाओं के दरमियान में है और बहुत अहम शहर है। किसी वक्त आपको दिखाएंगे हम अपने दरिया वहाँ जाके, उनकी वीडियो बनाएंगे, आपको यकीनन इतनी अच्छी लगेगी क्योंकि लोग दूर दूर से वो देखने आते हैं। सही है, भावलपुर से, उसको कहते हैं बड़े बड़े शहरों से, हेड पंजत कहते हैं उसको, हेड पंजत के पास है हमारा शहर, उसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो आप लोग तो देख के लाजमी इंजॉय करेंगे क्योंकि और वहाँ मछली के बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ मछली फ्राई की जाती है दरिया की, वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसा टूर आपको यकीनन किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ। तो मैं आपको दूंगी, बहुत अच्छा टूर, देखिएगा, एंजॉय करिएगा, क्योंकि आउटडोर रूटीन में ज़्यादा ऐसी चीजें अच्छी लगती है, जंगल हो गए, खेत हो गए, दरिया और इस तरह की चीजें। लेकिन जो हेड पंजत का नजारा है ना, वो आप जिंदगी भर भूल नहीं सकेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। सही सही। तो अब हम जो है आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करें, ताकि सबको हमारे चैनल की चैनल हमारा सामने आए सबके, और वो सपोर्ट करें उसको जिन्होंने सपोर्ट किया। एक बार फिर उनका शुक्रिया, एक बार फिर शुक्रिया। तो ऐसे लाजमी हमारा चैनल जो है ना, चलें हम मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। हाँ।